हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज मैं कंप्यूटर की ऐसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है, ये जो हार्ड डिस्क है अगर ये डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, तो ऐसे में आप अपने कंप्यूटर का यूज कैसे करेंगे। हमें पता है कि कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, यहाँ तक कि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो सारा इसी में ही स्टोर होता है, और बिना हार्ड डिस्क के कंप्यूटर हमारा स्टार्ट नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है और आपको एमरजेंसी कंप्यूटर पे कुछ काम करना है, उस पे इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है, मेल वगैरह कुछ चेक करनी है या भेजनी है, तो ऐसे में आप कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको करके बताने वाला एक प्रैक्टिकल, जहां पे मैं हार्ड डिस्क की जगह एक पेन ड्राइव का यूज करूंगा और पेन ड्राइव के अंदर ही मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करूंगा और इसी में ही मैं अपने सॉफ्टवेयर का यूज करके कंप्यूटर में जो है स्टार्ट करने वाला, कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला इस पेन ड्राइव की मदद से। यहाँ पे मैं हार्ड डिस्क का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हार्ड डिस्क मेरी डैमेज हो चुकी है। तो यहाँ पे लाइव आपको करके बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे मेरे यूट्यूब चैनल द अनस्टॉपेबल पावर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये मैंने अपने कंप्यूटर को किया है स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ब्लैंक आ रही है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए, नो सिस्टम डिस्क और डिस्क एरर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पेन ड्राइव की मदद से इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए, ये जो मैं है यहाँ पे पेन ड्राइव को कनेक्ट कर रहा हूँ और कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे किया इसको रीस्टार्ट, और जो मेरे कंप्यूटर की जो बूट की है उसको मैं प्रेस करूँगा। मेरा ये HP का PC है, तो इसके लिए मेरी ये एस्केप की होती है BIOS सेटिंग में जाने के लिए। आपके सिस्टम में कौन सी है वो आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अपने कंप्यूटर की BIOS सेटिंग में आ गया हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बूट मेनू लिखा हुआ है, यानी कि F9 की प्रेस करूँगा तभी मैं बूट मेनू पे आ सकता हूँ। यहाँ पे बूट मेनू में जाके यहाँ पे मेरी लेगेसी बूट जो है हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव टाइप मेरी यहाँ पे स्कैन डिस्क है। स्कैन डिस्क की जो पेन ड्राइव लगी है वो, उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। तो एंटर करते जो मेरी विंडो जो स्टोर्ड है पेन ड्राइव के अंदर, वो यहाँ पे रन हो जाएगी। पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कैसे हम पेन ड्राइव के अंदर विंडो को इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये मेरा कंप्यूटर पेन ड्राइव की मदद से बूट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया जाता है, कैसे उसमें विंडो को इंस्टॉल किया जाता है। तो आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे पेन ड्राइव में विंडो को इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों, ये मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया पेन ड्राइव की मदद से। तो यहाँ पे मैं आपको इसके ड्राइव दिखा देता हूँ। ये मेरा डिस्क PC, दोस्तों ये मेरा डिस्क PC ऑन हो गया, और यहाँ पे ये देखिए मेरे 8 GB की पेन ड्राइव यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अगर इसको मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे ये मेरी विंडो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ये मेरा यूज़र, ये मेरी विंडो, ओके। और यहाँ पे ये एक CD ड्राइव शो है, इसके अलावा यहाँ पे और कोई भी डिवाइस नहीं है। अगर मैं आपको कंप्यूटर पे जाके मैनेज पे जाके बता दूँ डिस्क मैनेजमेंट में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी एक ही ड्राइव होगा। तो यहाँ पे ये डिस्क मैनेज में जाता हूँ, तो आप इसके डिस्क मैनेजमेंट में भी देख सकते हैं यहाँ पे एक ही ड्राइव है, और वो 7.31 GB की पेन ड्राइव लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैं अपनी पेन ड्राइव की मदद से कंप्यूटर को स्टार्ट किया है और इसकी मदद से कंप्यूटर को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी इस तरीके से कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हार्ड डिस्क के कंपैरिजन ये थोड़ी सी स्लो होती है। डिपेंड करता है कि आपकी पेन ड्राइव कौन सी है, उसकी रीड राइट स्पीड कितनी है, लेकिन हार्ड डिस्क के कंपैरिजन तो ये काफ़ी स्लो होती है। तो आप इस तरीके से अपनी पेन ड्राइव की मदद से कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपकी अगर हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है, तो ऐसे में आप अपने कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव की मदद से अपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया है, पेन ड्राइव में ही विंडो इंस्टॉल करके इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपको पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना सीखना है, विंडो कैसे इंस्टॉल की जाती है पेन ड्राइव के अंदर, तो आप मेरी पीछे वाली वीडियो जरूर देखें। यहाँ पे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि कैसे पेन ड्राइव में विंडो को इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।